भारत, जहां हर रोज करोड़ों लोग और उससे कहीं ज्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है हमारी इंडियन रेलवेज, जिसके कारण इसे देश की बैकबोन भी कहा जाता है। बट आपको जान के शौक लगेगा कि आज के समय इंडिया के 73% कार्गो और 86% पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट हमारे रोड सिस्टम से ही होता है। और आज के समय इंडिया के लॉजिस्टिक्स मार्केट की वैल्यू $216 बिलियन से भी ज्यादा है, जो हर साल 10-12% से बढ़ रही है। और लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट किसी भी देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अगर हम इंडिया के लॉजिस्टिक स्पेस को देखें तो हमें DHL, FedEx, ब्लू डार्ट और डिलीवरी जैसी फॉरेन और न्यू एज कंपनियों का दबदबा नजर आता है। पर इसी कॉम्पिटेटिव मार्केट में एक ऐसा देसी नाम भी है जिसने अपने यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजीज और हाई कस्टमर ट्रस्ट की वजह से बड़ी बड़ी फॉरेन ब्रांड को इंडियन मार्केट में पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ VRL यानी कि विजय आनंद रोड लाइन्स की, जिनके पास आज के समय में 5,500 से ज्यादा ट्रक की फ्लीट है, जो इंडिया में हाईएस्ट है। और इसी कारण से इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। और आज के समय में VRL ग्रुप की वैल्यू 6,000 करोड़ से भी ज्यादा है। साथ ही वो हर साल 2,800 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि वो क्या स्ट्रेटजीज थी जिन्हें यूज करके VRL ग्रुप ने बहुत ही कम कैपिटल के साथ इस मुश्किल माने जाने वाले इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। साल था 1976। देश इमरजेंसी के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसी समय नॉर्दर्न कर्नाटक के एक छोटे से गांव गदग में डॉक्टर विजय संकेश्वर ने अपने पिता के प्रिंटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन हमेशा से ही उनकी रुचि ट्रांसपोर्टेशन के धंधे में थी, इसीलिए उन्होंने VRL यानी कि विजय आनंद रोड लाइन्स की शुरुआत की और आसपास के एरियाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने अपनी सर्विसेज को हुबली और बेंगलुरु में भी एक्सपेंड किया। और ऐसा करते करते वो ग्रेजुअली और बिना कोई जल्दबाजी करते हुए पूरे इंडिया के 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पहुंच गए। लेकिन प्रिंटिंग के प्रति उनके लगाव के चलते उन्होंने 2003 में विजय आनंद प्रिंटर्स की भी शुरुआत की, जिसमें विजय कर्नाटक और उषा किरण ये दो कन्नड़ अखबार निकाले। साथ ही उनका विजय टाइम्स ये इंग्लिश न्यूज़पेपर भी काफी पॉपुलर हुआ, जिसे इवेंचुअली 2006 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अक्वायर कर लिया। अब वहीं आज VRL के पास में अपने कोर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के पूरे इंडिया में 1100 से ज्यादा पिकअप पॉइंट्स और 17 से ज्यादा हब्स होने के साथ ही वो कन्नड़ न्यूज़पेपर विजयवाणी के भी मालिक हैं, जो हर रोज 800,000 से ज्यादा कॉपीज बेचता है। फर्स्ट रीजन है सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंडिया में शुरुआत से ही ट्रांसपोर्ट और फ्रेज इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा राजनीति हो रही है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई नेशनल फ्रेमवर्क पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके चलते हर स्टेट अपने खुद के रूल्स बनाते थे, और क्योंकि कोई भी नेशनल लेवल की ट्रांसपोर्ट कंपनी को इस बिजनेस में हर स्टेट के रूल्स और रेगुलेशंस को पालन करने में बहुत दिक्कत आती थी, जिसके कारण कोई फॉरेन कंपनीज भी इस सेक्टर में एंटर नहीं करना चाहती थी। और वहीं दूसरी ओर VRL अपने ग्राउंड नेटवर्क और जमीन से जुड़े होने के कारण बिना कोई घूस दिए पैसा खिलाए एफिशिएंटली अपनी डिलीवरीज कर पाते थे। और इसी ग्राउंड नेटवर्क का फायदा उनको तब मिला जब गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक सेक्टर में कई की चेंजेस किए, जैसे कि ई वे बिल, ई वॉइसिंग और फास्ट टैग एंड GST बेस्ड टोल कलेक्शंस। साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2030 तक इंडिया को वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, जिसके लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का एक क्रिटिकल रोल होने वाला है। पर किसी भी कंपनी को इंडिया में वेज सेटअप के लिए चाहिए सस्ता ट्रांसपोर्टेशन, पर यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडिया में प्रोडक्शन के 12-14% है, और वहीं चाइना में ये नंबर टोटल वैल्यू का 7-8% है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2021 में NLP यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और नेशनल स्क्रैपेज पॉलिसी को अनाउंस किया, जिसके अंदर वो कंपनीज को उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। और स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर 15 साल से पुरानी कोई भी पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल जो सरकार के एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाएगी, उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा। और इसी का सीधा फायदा होगा VRL ग्रुप को, क्योंकि करंटली उनके फ्लीट में 4800 के करीबन व्हीकल्स हैं। पर बदलती पॉलिसीज को देखते हुए उन्होंने पहले ही 560 करोड़ के 1600 नए व्हीकल्स ऑर्डर कर दिए हैं, जो कि उनके करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी के 33% से ज्यादा है, और जिसके 100 ट्रक्स की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। एंड ऑन द अदर हैंड, उनके कॉम्पिटिटर्स अभी भी इस डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, इसके कारण उन्होंने कोई ऑर्डर्स अभी तक दिए ही नहीं है, और दिए भी होंगे तो उनके डिलीवरी आने में काफी समय लगेगा, जो कि VRL को बाकी कंपनी से एक अनफेयर एडवांटेज दिलाता है। सेकंड रीजन है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल बिजनेस। डिलीवरी, बैगबक, रिवीगो, ये है इंडिया के कुछ टॉप लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स, जो कि लाल ही लाल है। पूरा ठेला लाल है।
मतलब कि सभी के सभी हैवी लॉसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका कारण है अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और नेगेटिव कैश फ्लो। होता क्या है कि मोस्टली ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं B2C बिजनेस मॉडल पर, जिसमें ऑर्डर्ड सामान को पिकअप पॉइंट से पिक करने से लेकर कस्टमर के डोर स्टेप तक डिलीवर करना शामिल होता है, जिसके कारण इसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और इसी के साथ ही इंटेंस कॉम्पिटिशन के कारण मोस्टली इन कंपनीज को लॉसेस में ही ऑपरेट करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड VRL ग्रुप फोकस करता है B2B सर्विस पर, जहां वो इंडस्ट्रीज और बड़े बिजनेस को बल्क और सस्ते दाम पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो डील्स को अपने टर्म्स पर नेगोशिएट करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना पाते हैं और इसी कारण वो शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल रहे हैं। और पिछले साल जब मोस्ट कंपनीज लॉसेस रिपोर्ट करके रिसेशन के कारण एम्प्लॉयज को फायर कर रही थी, उसी दौरान VRL ग्रुप ने 2400 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर 160 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट भी बुक किया, जो कि लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर जहां ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी भी है। और अपने इसी परफॉर्मेंस के चलते वो 2016 में VRL को पब्लिक भी ले गए, जहां पहले ही दिन इनकी बम्पर ओपनिंग हो गई। और इसके बीच थर्ड रीजन है VRL ग्रुप्स यूनिक ऑपरेटिंग मॉडल। लाइक अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स, VRL ग्रुप भी हब एंड स्पोक मॉडल पे ऑपरेट करता है, जिसमें एक सेंट्रल हब जो कि जनरली किसी बड़े सिटी में लोकेटेड होता है, वहां से सारे गुड्स को लेकर स्पोक्स यानी कि डिफरेंट लोकेशंस तक पहुंचाया जाता है। पर इसी मॉडल को एक स्टेप ऊपर ले जाते हुए VRL यूज करते हैं LTL टेक्निक। LTL यानी होता है लेस देन ट्रक लोड मॉडल। अब देखिए, इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक कस्टमर हो जो कि अपना सामान मुंबई से चेन्नई पहुंचाना चाहते हो, बट आपकी एक कंडीशन है कि आपका आधा सामान आपको बेंगलुरु में उतारना है और बचा हुआ आधा सामान 2 दिन के अंदर चेन्नई पहुंचाना है। अगर ये रिक्वेस्ट लेके आप किसी नॉर्मल ट्रांसपोर्टर के पास जाओगे तो वो अपने हाथ खड़े कर देगा, बट VRL के पास ये काम जरूर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने सालों के ऑर्डर एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके एक मॉडल पर ट्रेन किया है, जिसके कारण कस्टमर्स के हर पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग वो उन्हें कस्टमाइजेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं और वो भी सारे सेफ्टी चेक्स को टिक करते हैं, जो मार्केट में आज के समय कोई नहीं कर रहा है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूनिकनेस फ्रॉम द मार्केट। जब भी कोई कंपनी बड़ी होकर लोगों का ट्रस्ट जीतने लगती है, तब लोग चाहते हैं कि उससे रिलेटेड दूसरी सर्विसेज भी वो कंपनी प्रोवाइड करे। यही हुआ VRL के साथ भी। इनिशियली काफी समय वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो को डिलीवर कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का ट्रस्ट और डिमांड बढ़ती गई, वैसे उन्होंने दूसरी रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि इंटरसिटी बस, कूरियर्स और एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया। इसके अलावा भी लॉजिस्टिक सेक्टर, जो कि इंडिया की GDP में 14.5% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ITLN की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसका अभी भी 90% से ज्यादा पोर्शन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, जिसके कारण कंज्यूमर्स को माल के डिलीवरी और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एजेंट से कांटेक्ट में रहना या कई बार अपने लक पे डिपेंड रहना पड़ता है। पर VRL ही वो कंपनी थी जिन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व किया। उन्होंने अपनी इनहाउस टेक टीम भी डेवलप की, साथ ही उन्होंने अपने सर्विसेज में कंसाइनमेंट ट्रैकिंग, स्केड्यूल अलर्ट्स, प्रोडक्टिव एनालिसिस और व्हीकल्स में जियो टैगिंग जैसी चीजों को ऐड किया। साथ ही VRL की हुबली में एक इनहाउस फैब्रिकेशन टीम है, जो कि VRL की सारी व्हीकल्स के लिए इनहाउस डेवलप्ड कंपोजिट मटेरियल डेवलप करती है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टील जो कि वजन में भारी होता है। साथ ही उन्होंने अपने व्हीकल्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी बनाया हुआ है, जो कि एक स्पेशल मटेरियल PTF बेस्ड ग्रीस को यूज करते हैं, जो गाड़ियों के व्हील बेयरिंग्स के लाइफ टाइम को 1.5 लाख किलोमीटर तक बढ़ा देता है, जो कि एवरेज 40,000 किलोमीटर ही होती है। इन्हीं सब टेक्निक्स को यूज करके अपने ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव रखने के साथ ही साथ उनमें ट्रांसपेरेंसी भी ला पाते हैं। तो ये थी कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज जिन्हें अप्लाई करके आज VRL ग्रुप इतना बड़ा बन चुका है। पर आपको क्या लगता है, इसके अलावा और कौन सी चीजें थी जिनके कारण वो आज इतने सक्सेसफुल है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, जय हिंद।